हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव हेम आर्ट एंड क्राफ्ट सीरीज। इस वीडियो में हम सीखेंगे इको फ्रेंडली बालगोपाल आसन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें चाहिए 3 चौड़े रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड और 10 रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड सेम साइज के। एक चौड़े रेक्टेंगल को एक तरफ से सेमी सर्कल काट लेना है, इस तरीके से। अब बाकी 2 रेक्टेंगल्स को हम एक के ऊपर एक पेस्ट कर देंगे। इसी तरह 10 रेक्टेंगल्स को 5-5 के ग्रुप में एक के ऊपर एक रखकर पेस्ट कर लेंगे। अब सारे रेक्टेंगल्स की एजेस को पेपर टेप की हेल्प से कवर कर लेंगे। अब बड़े रेक्टेंगल में ग्लू लगाकर छोटे रेक्टेंगल्स हम उस पर पेस्ट कर देंगे। अब नीचे से इसे व्हाइट शीट से कवर कर लेंगे। फिर एक एज पर सेमी सर्कुलर पार्ट को इस तरीके से हम पेस्ट कर देंगे। कलर इट विथ ब्राउन फैब्रिक कलर। अब ग्लिटर पेपर से इसे हम कवर कर लेंगे। अब क्विलिंग फ्लावर्स की हेल्प से हम आसन को डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्विलिंग फ्लावर्स बनाने का तरीका नहीं आता है तो मैंने इससे पहले वीडियो में क्विलिंग फ्लावर्स बनाना ही सिखाए हैं और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इस तरीके से क्विलिंग डिज़ाइन से हम ऊपर और नीचे की तरफ डेकोरेट कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय वीडियो एंड हेल्प मी टू ग्रो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो 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 मच। कीप लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। यहाँ हमारी डेकोरेशन रेडी है। अब पिलो बनाने के लिए मैंने ब्रोकेड क्लॉथ के 2 पीसेस लिए हैं।
आप कोई भी क्लॉथ यूज कर सकते हैं। अब एक पीस को फोल्ड करके मैंने इस तरीके से इसमें सीधी सीधी सिलाई दे दी है। अब एक सिरे में 1/2 सेंटीमीटर फोल्ड करके हम इसमें सीधी सीधी सिलाई दे देंगे। अब थ्रेड को खींच लेंगे तो एक सिरा इसका इस तरीके से बंद हो जाएगा। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। मैंने यहाँ एक स्पंज शीट ली है जिस पे मैंने इसका निशान लगा लिया है और उस निशान से हम इसको काट लेंगे। फिर एक सिरे से इसको हम रोल करते जाएंगे और रोल करके हमारा रोल तैयार हो जाएगा और इस रोल को हम इसके अंदर फिल कर देंगे। आप चाहे तो इसमें कॉटन या फाइबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर एक सिरे को 1/2 सेंटीमीटर हम अंदर की तरफ मोड़कर इसमें चारों तरफ सीधी सिलाई डाल देंगे और धागे को हम जोर से खींचकर दूसरे सिरे को भी बंद कर लेंगे। हमारी पिलो रेडी है। इसी तरीके से मैंने एक और पिलो बना करके पहले से ही तैयार कर ली है। नेक्स्ट स्टेप है, इन पिलो को हमें आसन के ऊपर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देना है। इस तरह से हमारा इको फ्रेंडली बालगोपाल आसन रेडी है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।